न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि एक अभियान के तहत हमने आपको लगातार पिछले कई दिनों से अवैध खनन जो हो रहा है खड्डों में उसको लेकर एक मुहिम छेड़ी है। कल हमने आपको नगरोटा सूर्य की खड्ड में काफ़ी ट्रैक्टर्स आपके सामने दिखाए जिसमें कि अवैध माइनिंग करते हुए ट्रैक्टर जो हैं वो बेलगाम घूम रहे हैं। और आज मैं हालांकि कल मैं यहां पर बाथू पुल पे भी हमने एक ट्रैक्टर को पकड़ा, लेकिन समस्या ये होगी कि पुलिस कांगड़ा वाली जो है वो यहां पर आने में समय लग गया। और क्योंकि हमारे यहां पर हमें कन्फ्यूज़न हो गया कौन से एरिए की पुलिस थी, तो हमने जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने ये बात कह के मना कर दिया कि ये हमारा एरिया नहीं है। इसको लेकर हालांकि मैं एसपी साहब से आज बात करूंगा, डीसी साहब से बात करूंगा कि पुलिस के क्या अधिकार हैं, पुलिस के क्या क्षेत्र रखे हुए हैं आप लोगों ने, और अगर अवैध माइनिंग करता हो कोई भी व्यक्ति चाहे वो सीमा पर भी मिलता है तो क्या इधर की पुलिस उधर चलान कर सकती है या उधर की इधर कर सकती है। मैं एसपी साहब से आज मिलूंगा, इसको लेकर मैं बात करूंगा। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि अवैध माइनिंग आखिर हो क्यों रही है, क्यों इसको लेकर प्रशासन और पुलिस और माइनिंग विभाग और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे को जहां तक जानकारी है 30-35 डिपार्टमेंट्स मिले होते हैं इसको लेकर, चाहे वो फॉरेस्ट वाले लेकर हो, चाहे वो एनजीटी वाले हो, चाहे वो पुलिस हो, एसडीएम के पास भी पावर होती है कि वो चलान कर सकें। अभी आज हमने बाथू पुल के ऊपर 3 ट्रैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पकड़े हैं अवैध माइनिंग करते हुए, पुलिस को यहाँ पर बुलाया, पुलिस यहाँ चलान कर रही है। मेरे सहयोगी ये दिखाएंगे, ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं ये दोनों ट्रैक्टर्स भी और एक ट्रैक्टर यहाँ पर जो अभी मौके पर नीचे जा रहा था। मैं आपको एक जानकारी और भी यह देना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर वाले ये कहते हैं कि हम खाली कहीं जा रहे हैं, खड्डों की तरफ जाना और खड्ड के अंदर ट्रैक्टर मिलना खाली भी उतना ही उसका बड़ा माइनिंग का काम कहीं ना कहीं एक्ट लगता है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप खड में खाली ट्रैक्टर पा जाते हैं। अभी हमारे देखते देखते यहाँ पर हमें ये यहाँ पर सूचना जो है वो आपको देना ज़रूरी है कि इन ट्रैक्टर वालों का अपना जो एक पूरा तंत्र चलता है, इस तंत्र के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अब कौन करते हैं इसको लेकर मैं अभी साफ नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दी आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा कौन इनके इन्फॉर्मर्स हैं जो इनको सूचना दे देते हैं कि यहाँ मीडिया आ गया, यहाँ आ गया। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ कोई ट्रैक्टर नीचे आ रहा था, उस ट्रैक्टर को बिल्कुल पता नहीं था कि हम ऊपर हैं और इस तरह से हैं, ना ही यहाँ से जो ट्रैक्टर वाले थे उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उन ट्रैक्टर वालों को पता लग गया और उन्होंने वहाँ से ही अपने ट्रैक्टर जो है खाली करके मूव कर लिए, जो कि अभी दूसरी वाली खड्ड से निकलेंगे। और आज हम पुलिस का नाका लगवाएंगे यहाँ पर भी और पुलिस को वहाँ पर भी नाका लगवाएंगे दोनों तरफ में। और जो ट्रैक्टर आज खड्ड में हैं, जितने भी ट्रैक्टर खड्ड में हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इस तरह से अवैध माइनिंग किया जा रहा है। अभी ट्रैक्टर वाले ने पूरा ट्रैक्टर अपना यहाँ पलट दिया और पलटने के बाद वो वापस चला गया, अभी वो दूसरी तरफ से जाएगा। लेकिन आज हम पुलिस का नाका यहाँ पर लगवाएंगे, हमारी टीम यहाँ खड़ी रहेगी और दूसरी तरफ भी हमारी टीम खड़ी रहेगी। हम दोनों तरफ से देखते हैं कि ट्रैक्टर वाले किस तरफ जाते हैं। ये जो अवैध माइनिंग का धंधा चल रहा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन के बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। मैं साफ तौर पे ये बात कह रहा हूँ, डीसी साहब से इसको लेकर बात की जाएगी, एसपी साहब से बात की जाएगी, क्यों ना जहां पर खड्डों की एंट्री है वहां पर बैरिकेडर लगाए जाए, वहां पर ऐसे पिलर लगाए जाए ताकि ट्रैक्टर अंदर ना जा सके, अगर सच में आप माइनिंग रोकना चाहते हैं तो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ट्रैक्टर का चलान होता है, चलान होने के बाद बात खत्म हो जाती है, अगले दिन वो आदमी फिर शाम को सुबह उतर के चला जाता है। ये ट्रैक्टर वाले यहाँ पर खड़े हैं भाई साहब, क्यों उतरते हैं सर खड्डों में आप? जोर से बोलिए सर। फिर बोलने के लिए हैं जी, माल उठाने के लिए कितने ट्रैक्टर रोज के उठाते हैं आप? सर एक ट्रैक्टर रोज का उठाते हैं। नहीं बस आपको पता है ये माइनिंग इलीगल है, आपको पता है ये ट्रैक्टर आपने एग्रीकल्चर भी लिए हुए, खेती के लिए लिए हुए हैं, कमर्शियल है आपका? सर कमर्शियल है। कमर्शियल है तो क्या गाइडलाइंस है आपको सर पता है? नहीं जी। खड़ों से जो आप माल उठा रहे हैं कोई अनुमति आप लोगों के लिए है नहीं इसमें? सर अनुमति का जब पकड़े जाते हैं चलान होते हैं हमारे। कितने चलान होते हैं महीने में? सर जब मिल जाएं जब ही चलान हो जाता है। फिर भी महीने में कितने चलान होते हैं? सर ये हो जाते हैं, कभी कभी हम नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो जब मिल जाते हैं जहीं पे मिले वहीं पे चलान हो जाता है हमारा। ठीक है भाई, आप ये बताओ आप लोगों को यार ये जो ट्रैक्टर्स की वजह से जो आप माइनिंग कर रहे हैं रोज खड्डों में आप उतर के आ रहे हैं, क्यों डर नहीं है इस बात का कि यार हमारे को कोई पकड़ेगा, हमारा ट्रैक्टर बाउंड कर लेगा कोई, क्यों डर नहीं है आप लोगों को? डर तो है। डर है आपको? डर है तो रोज आप ट्रैक्टर नीचे उतार सकते हैं कभी? हाँ जी नहीं सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ी एक अजब सी बात है कि
हमारा विभाग, हमारा प्रशासन, जितने भी डिपार्टमेंट इसमें माइनिंग को लेकर मिले हुए हैं, मैं तो पहले सरकार से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप खड़ों में अवैध माइनिंग को रोकना चाहते हैं तो इनकी रॉयल्टी पे इन खड़ों का ऑक्शन कीजिए और एक लिमिट तय कीजिए कि कौन आदमी कितनी माइनिंग कर सकता है, और उससे क्या होगा, सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पुलिस की हम जो सरदर्दी है वो भी कम हो जाएगी, माइनिंग विभाग की भी सरदर्दी कम हो जाएगी, और जो कहीं ना कहीं तंत्र मिला हुआ है आपस में, जो आपस में इन अवैध माइनिंग करने वालों को जो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, जो इनके इन्फॉर्मर्स हो जाते हैं, उनका जो रोजी रोटी है वो भी बंद होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ये ज़्यादा हो रहा है। और खड़ों में कटाव जिस तरह से हो रहा है, मैं अभी आपको थोड़ी देर मैं इस खड़े के ऊपर एक रोड, ये हाईवे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बीच में शॉर्ट दिखाऊंगा उसका आपको, करोड़ों रुपये खर्च किया हुआ है सरकार ने और वो सारा का सारा जमीन बह गया, और उसका कारण यही है कि खड़ों का नीचे कटाव होता है, जब खड़ों का कटाव पूर्ण रूप से होगा तो फिर पानी भी का जो भाव है वो कहीं ना कहीं खड़ों को काटेगा, जब वो स्लाइडिंग होगा तो रोड भी खराब होंगे, जो खड़ों की वजह से कटाव हो रहे हैं उनकी वजह से किसानों की ज़मीनें भी खराब हो रही हैं, नीचे डैम एरिया है उसमें कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो कल आपने उत्तराखंड में देखा होगा ग्लेशियर्स जो है वो पूरी तरह से आ गए, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माइनिंग जिस तरह से ज़मीनों को हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम उनका कटाव होने दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा एक कारण बनता है। पुलिस अभी आई है, आज 3 चालान इन लोगों के यहाँ पर किए हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी ये DC साहब से बात करूँगा कि क्यों ना अब ये ट्रैक्टर जो मिले इनको बॉन्ड करने की पॉलिसी पर काम किया जाए, ना कि चलान, क्योंकि चलान करते हैं अगले दिन फिर 4 चक्कर लगा लेते हैं, पैसे पूरे हो जाते हैं, अब कौन रोज मीडिया, कौन रोज पुलिस, कौन रोज माइनिंग वाला, कौन इनके पीछे सुबह 5 बजे खड़ों में दौड़ता रहेगा। लेकिन हम एक अभियान के तहत अभी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि ये खड़ों के जो अवैध माइनिंग हो रहे हैं इनको लेकर प्रशासन को सीरियस होना पड़ेगा और सीरियसली इसके ऊपर लेकर कोई डिसीजन करना पड़ेगा, ताकि जो ये लोग कहीं ना कहीं गरीबी का हवाला देते हैं, अपने रोजगार का हवाला देते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप एक तरफ से सेटिस्फाइड कर सकें। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारे बीच में ASI विजय कुमार जी, जो रानीताल चौकी के अभी इंचार्ज हैं, उनको हमने यहाँ पर मौके पे बुलाया है, और 3 ट्रैक्टर्स में से एक ट्रैक्टर नीचे भाग गया है, जो पीछे से वापस हो गया है, और एक ट्रैक्टर खाली आ रहा था, लेकिन खाली का चलान नहीं किया है, इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं ट्रैक्टर वालों को ये कहना चाहूँगा कि अगर खड़ में भी आप खाली मिल गए तो आपका चलान पूरा होता है। और दूसरा, 2 ट्रैक्टर अभी ये पकड़े, इनके मौके पे चलान किए हैं, SI साहब हमारे साथ में हैं, पहले हम इनसे बात कराएंगे। सर, ये अवैध माइनिंग को लेकर लगातार बहुत सारी शिकायतें चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि पुलिस के पास भी बहुत सारी बाउंडेशन हैं, स्टाफ नहीं है, लेकिन फिर भी अवैध माइनिंग को लेकर किस तरह से पुलिस कार्य कर रही है, और आज इन पर जो कार्रवाई करी उसकी जानकारी दें। मैं बतौर मुख्य चौकी इंचार्ज समय समय पर माइनिंग को चेक करता हूँ, और मैंने हर महीने माइनिंग की चलान करता हूँ, जो भी ट्रैक्टर मेरे को माइनिंग करता हुआ मिलता है, जिसके ऊपर बजरी पत्थर या कुछ भी लोड होता है उनका चलान करता हूँ। तो मेरी आपसे स्पेसिफिक दरख्वास्त है, मैंने PWD SDO लंच को भी कई बार बोला कि जितने भी माइनिंग पॉइंट हैं इनको बंद किया जाए जी, जैसे नीचे गली पुल है जी, वहाँ पर मैंने स्पेसिफिक बोला कि वहाँ पर क्रस बैरियर लगाया जाए जी, तो आज तक वहाँ पर क्रस बैरियर नहीं लगे जी। वहाँ पे साथ ही IPH का है, पंप है, तो उनके JE को SDO को मैंने कई बार बोला कि प्लीज़ आप भी यहाँ पे विजुअल रखें जी, तो किसी ने भी आज तक पुलिस को सहायता नहीं करी है जी, क्योंकि माइनिंग एक्ट में 22 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इनकी हर समय जो चलान कर सकते हैं। नेशनल हाईवे यहाँ से हर आदमी निकलता है जी, तो हर ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो भी उसको चेक करे जी। पुलिस के पास मल्टीपर्पज़ काम है, उन्हें लाइन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, क्राइम को भी देखना है जी। तो मैं तो इनके समय समय पर जब भी मेरे को टाइम मिलता है, आज की डेट में मैं अकेला हूँ इस टाइम यहाँ पे, मेरे हेड कॉन्स्टेबल जो PGI में एडमिट है, एक छुट्टी है, तो अकेला मैं इनकी दिन रात देख रहा हूँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम जैसे कांगड़ा से कॉल आती है तो नाका लगाना है तो नाका भी लगाते हैं, जैसे देरा से आती है कॉल की नाका लगाना है नाका लगाना है, जोरा से कॉल आती है तो हम, क्योंकि हम मेन बीच में है जी, तो हमने मल्टीपल काम देखना है, इतना टाइम नहीं होता कि हम स्पेशली इनकी माइनिंग पे फोकस रखें। बिल्कुल ठीक नहीं, हमने इनके MBS की चलान भी करने हैं, कोर्ट पर भी करने हैं, तो मेरी तो आपसे ये है कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी आप इस बारे अवेयर करें। ठीक है जी, विजय जी ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई है, और बिल्कुल जायज़ बात है कि पुलिस के पास वाकई में ही मल्टीपल टास्क हैं, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मैं आपको इन डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम बताता हूँ, IPH विभाग, PWD विभाग, नेशनल हाईवे, SGM, पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट, DC ऑफिस, इवन एन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGT, जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के,
ये सबके पास पावर है कि ये चलान यहाँ पर अगर ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं तो उनके किए जाएं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर खड़ों में उतरे ही क्यों, आप वहां पर बैरियर लगा दीजिए, एक भी ट्रैक्टर नहीं जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारें दोगली जो पॉलिसी खेल रही हैं, मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि दोगली पॉलिसी पे गेम मत करिए। आप एक तरफ पुलिस को बोल रहे हैं चलान करिए, सब डिपार्टमेंट को बोलते हैं चलान कीजिए, और आप खड़ों का आप क्यों नहीं वहां पर ऑर्डर करते हैं कि खड़ों के जहां पर एंट्री पॉइंट है वहां पर बैरियर लगा दिए जाए, केवल पैदल आदमी जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो कोई काम है नहीं खड़ों में। और अगर कोई डिपार्टमेंट को काम करना है तो डिपार्टमेंट उसको जाके उसको बैरियर को हटा के जा सकता है। या फिर आप रॉयल्टीज का सिस्टम बनाइए, खड़ों में रॉयल्टी शुरू कीजिए, खड़ों का ऑक्शन कीजिए और उनमें एक लिमिट तय कर दीजिए ताकि एक सिस्टमेटिकली उसका काम किया जा सके। अब इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में, अभी ये अभियान लगातार चलता रहेगा। मैं तो हर एक ट्रैक्टर वाले को, हर एक विभाग को यही कहना चाहूँगा कि साहब अगर आप अपनी जिम्मेवारियाँ पूर्ण निभाएं तो मजाल है कोई काम गलत हो जाए, कहीं ना कहीं तो कमियां होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पुलिस के पास ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी नहीं होते हैं काम करने वाले, इसमें मैं बात मानता हूँ कि एक चौकी पे 4-5 लोग हैं, क्राइम की रेशो भी देखनी है और भी बहुत सारे कार्य हैं, छोटे छोटे झगड़े भी देखने हैं, और पुलिस की तो जिम्मेवारियाँ ऐसी बढ़ा दी हैं जैसे गाँव में कुत्ता भी मरता है तो पुलिस को कॉल किया कर दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी कि संबंधित विभागों में भी आप कॉल करें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस के कार्य जरूर हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग होते हैं जहां पर छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं तो उनको भी आप कहीं ना कहीं कष्ट दें, वो विभाग भी इसीलिए बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहें और जागरूक हो जाएं, खड़ों के कटाव को लेकर आप आवाज उठाएं, नहीं तो धीरे धीरे आपकी जमीनें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और ये जो कहीं ना कहीं सरकारों की पॉलिसीज हैं, कुछ क्रैशर्स के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा था, गांव के क्रैशर्स की वजह से भी बहुत सारे लॉसेस खड़ों में हो रहे हैं, 5-5 मीटर की खड़े जो है क्रैशर्स ने माइनिंग कर ली हैं। तो सरकार को क्रैशर्स की पॉलिसी पे भी थोड़ा गाइड एक रिव्यू करना पड़ेगा, जहां पर वो काम कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि वो जो उनकी अनुमति है 1 मीटर की, क्या उससे ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए और उनको बंद करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तो बातें तो ज़रूर हैं, सरकार को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि केवल ये नहीं है कि मीडिया में खबर आई तो एक दिन का एक्शन हो गया बात खत्म होगी, परमानेंटली कोई ना कोई ऐसा समाधान बनाना पड़ेगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ें वो व्यवस्थित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इसी तरह से बने रहे, खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।